Om Shanti. Om Shanti. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सभी बोले ओम शांति. आप सभी का शांतिवन परिसर में बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. ये शांतिवन परिसर एक बहुत चार्ज्ड, स्पिरिचुअली चार्ज्ड तीर्थ स्थान कहा जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में तपस्या कर लेता है वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है. परंतु आप सब देख रहे हैं कि इतना विशाल हॉल अभी तो थोड़ा कम भरा है, परंतु ये पूरा हॉल एकदम पैक होता है विद 22,000 to 25,000 पीपल, और वो सभी मेडिटेशन करते हैं. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल जहाँ मेडिटेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है. ये मैं इसलिए कहती हूँ कि ये तीर्थ स्थान के जो वाइब्रेशंस है, हवा जो है वाइब्रेशंस है, उसके अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, पावर है. इसलिए इस एटमॉस्फेयर में नेचुरली आपको एक बहुत अच्छे विचारों को, अगर आप एक विचार अच्छा करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. तो आप एक बहुत ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पर आकर के जीवन का बहुमूल्य अनुभव आप पाएंगे. अब हम सब जानते हैं कि हम अभी वर्तमान में एक बहुत डेवलपिंग समय से पास हो रहे हैं, है ना. हम कहेंगे हम एक साइंटिफिक युग में हैं, फास्ट डेवलपिंग है. और मानव ने हमेशा जब कभी डेवलपमेंट किया है तो उनके पीछे उनका एक ही लक्ष्य होता है. क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब कभी कोई भी कदम उठाता है, कोई भी कार्य करता है, इन्वेंशन करता है, तो क्या लक्ष्य होता है उसका? क्या लक्ष्य होता है? ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, और कंफर्ट का समझते हैं ज़्यादा सुख मिलेगा मे बी, और सुख मिलेगा तो शांति मिलेगी. इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम हमेशा दौड़ते रहते हैं, है ना. जब से व्यक्ति अपना होश संभालता है तब से दिन रात हम दौड़ते हैं. जिसमें डॉक्टर्स तो विशेष है ना. खैर, उनका भी लक्ष्य ये है कि एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना लोगों को दुख से मुक्त होने में हेल्प करे. सुख देना तो और बात है, परंतु कम से कम जहाँ पर पेन है उससे मुक्त होने में हेल्पफुल बनने की कोशिश करते, हेल्पफुल, और उसके थ्रू खुद अपने सुख को बढ़ाना चाहते हैं. आप सबको जो मेडिकल फील्ड में है उनको याद होगा कि एक समय था कि हमें ऐसा लक्ष्य दिया हुआ था कि बाय 2000 AD वील हैव हेल्थ फॉर ऑल, है ना. सबको याद होगा कि हमें गवर्नमेंट ने ये एम दिया था, वील हैव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, 2000 वर्ष तक सभी स्वस्थ हो जाना चाहिए. क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट है? नहीं, ये हम नहीं पा सके.
Definitely, doctors अभी बड़े हैं, doctors की संख्या ज़्यादा हुई है, medical colleges, doctors, hospitals, speciality and super speciality, सब कुछ बड़ा है, पर रोग कम नहीं हुआ है. रोग ने शायद अपनी चाल बदल ली है. अभी आज के समय में जो भी diseases है, उसको हम अभी कहने लगे हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस. आज की जो लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ करने की, आज जो अपने आप को समझते हैं कि अच्छी पोस्ट पोजीशन पर है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो स्ट्रेस क्रिएटिंग है. इसलिए आज की जो डिसीजेस है वो स्ट्रेस के कारण है, तनाव के कारण है. शांति की बात तो दूर रही. आज के हमारे जो भी एफर्ट्स है उससे शांति मिलने की बात दूर रही, रोग मुक्त होने की बात दूर रही. और ही आज क्या बन गया है, एटमॉस्फेयर एक तनाव का एटमॉस्फेयर बन गया है. मुझे लगता है कि कुछ समय पहले ऐसा था कि तनाव के कुछ कारण होते थे, है ना. ऐसा लगता था कि जिसकी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत काम जिसको होता है, बहुत बड़ी टॉप के पोजीशन पर काम करना पड़ता है, हजारों लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो तनाव बनता है. परंतु आज छोटे बच्चे को भी तनाव है. स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होंगे वो भी क्या कह देंगे, मुझे तनाव हो गया है, टेंशन मत करो. मम्मा को भी क्या बोलेगा, मम्मा टेंशन मत करो. पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो भी क्या कहेंगे, टेंशन मत करो. हर व्यक्ति को टेंशन है. जो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ी माता है या बूढ़ा वडील भाई है, उसको भी टेंशन है. रिटायर्ड हो गए हैं पर टेंशन में जी रहे हैं. आप सोचिए तो समाज का एक एक व्यक्ति आज क्या फील करता है, टेंशन. मुझे लगता है कि एक समय ऐसा था कि टेंशन होता था लोगों को, पर अगर कोई पूछेगा कि आपको कोई टेंशन है क्या, तो अगर होगा तो भी क्या कहेंगे, ना वैसे खास नहीं है, है ना, क्या कहेंगे, खास नहीं है. पर आज किसी को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, किसको नहीं है, किसको नहीं है. आप सोचिए तो प्रोग्रेस है, जबरदस्त प्रोग्रेस है. आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है. जिसको व्यक्ति शायद सोच नहीं सकता था, इतनी प्रोग्रेस हमने की है. एक तरफ प्रोग्रेस है, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि क्यों, अगर प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा है, फिजिकल कंफर्ट इतना ज़्यादा है व्यक्ति के पास, तो फिर कौन सी बात की कमी रह गई है. वो सोचने का समय आज फिर से सबके पास आया हुआ है. न केवल सुख शांति की बात है, परंतु आप सभी जानते हैं कि अभी द हाईएस्ट किलर इन द वर्ल्ड इज हार्ट अटैक्स. अगेन, जिसका मूल कारण, सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, टेंशन है. तो इसका अर्थ ये हुआ कि इट्स थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इसीलिए अभी फिर से सोचने का समय हम सबके सामने आया है. सोचने की बात है कि अगर हमारा इतना हमारा एजुकेशन बढ़ गया है,
इन्वेंशन से साइंस इतना आगे बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी मानव अशांत क्यों है? इसीलिए आज फिर से सोचने के लिए एक समय हम सबके सामने आया है। मैं समझती हूँ इस सोच के अंदर आपको यहाँ का वातावरण मदद करेगा। जब तक हम सोचते नहीं हैं, तब तक हम अपने जीवन के अंदर क्या करना और क्या नहीं करना निर्णय नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में, हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसे पात्रों का वर्णन है, जैसे महाभारत में कंस को दिखा देते हैं, रामायण में रावण को दिखा देते हैं, ये सामाजिक पात्र है। क्या उसको बोलते हुए बताते हैं? मैं जानता हूं क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु जो नहीं करना चाहिए वही करने के लिए मैं मजबूर हूँ। और यही बात, ये बात बहुत सालों पहले की नहीं है, पर आज भी वही रेफरेंस है। आप हम सब जानते हैं, देखो ज्ञान की कमी नहीं है हमारे भारतवर्ष में, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कमी किस बात की है? मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मैं कहाँ रिक्शा में जा रही थी, है ना, तो रिक्शा वाला एकदम रफ ड्राइविंग कर रहा था, बहुत फास्ट चला रहा था। तो मैंने कहा भाई जरा धीरे चलाओ। कहता है अरे बहन जी मरना तो एक ही बार है ना, उसमें क्या है। तो मैंने कहा भाई तू तो मेरा भी गुरु निकला, है ना। देखो हमारे भारतवर्ष में रास्ते चलते व्यक्ति के पास ज्ञान है, परंतु ज्ञान को अप्लाई करना ये जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन है। आश्चर्यजनक बात है कि हमारे समाज में, भारतवर्ष में, समाज में विवेचक कमेंट्स देने वाले, चर्चा करने वाले, बहुत अच्छा प्रवचन करने वाले, बहुत अच्छी किताब लिखने वाले, बहुत अच्छा एनालिसिस ऑफ नॉलेज जो होता है वो आप पढ़ करके आश्चर्य खाएं, कितना अच्छा एनालिसिस है, कितनी अच्छी बातें हैं। ये सब होते हुए भी आज समाज वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को क्यों छोड़ रहा है? धीरे 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 हमारे समाज से नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। हमने ये भी सोचा था कभी कि जितना जितना एजुकेशन बढ़ता जाएगा, है ना, जितना एजुकेशन बढ़ता जाएगा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। एजुकेशन बढ़ा है, उसकी जो बेनिफिट्स होनी चाहिए वो होती है, परंतु अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी है। आप सोचिए आज समाज में
कितने डिवोर्स के केसेस बनते हैं, किस में ज़्यादा है? मोर एजुकेटेड, मोर डिवोर्सेस। एजुकेशन तो हुआ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरों को समझना अथवा थोड़ा सहन करना, वो नहीं है। इसलिए जीवन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में व्यक्ति फेल जाते हैं, इसलिए परिवार टूटते जा रहे हैं। बहुत सिंपल बात होती है, परिवार टूटता है। एक छोटा सा एग्जांपल सुनाती हूँ, बहुत सिंपल बात। एक बार हमारे पास एक परिवार आया, हम कहते हैं कि भाई कोई भी समस्या है, मुसीबत है, तो आप मेडिटेशन का 7 डेज कोर्स कीजिए, उसमें जो ज्ञान दिया जाता है उसमें बहुत करके हमारी मन की समस्याएं, जीवन की समस्याएं समाधान हो जाती है। अच्छा, परिवार में पेरेंट्स और उसकी बेटी, एक तीनों ही आते थे। 7 दिन के बाद पेरेंट्स कहते हैं, बेन ये मेरी बेटी को समर्पण कर देना है आपकी संस्था में। तो मैंने कहा, भाई संस्था में ऐसे हम किसी को लेते नहीं हैं, उसका तो अलग ही प्रोसेस है, आप क्यों चाहते हैं? तो कहा कि क्या है कि अभी डाइवोर्स होना है इसका, अपने ससुराल में सेट नहीं हो सकती है, इसलिए हम सोचते हैं कि उसको आश्रम में ही भेज दें। तो मैंने इन जनरल टॉक किया, बात किया उससे। मैंने कहा क्या है आजकल यूजुअली जो हमारी बहनें होती हैं छोटी छोटी, आज का एटमॉस्फियर ऐसा है कि व्यक्ति को काम करना अच्छा नहीं लगता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, टीवी का एक ऐसा महारोग लगा है, क्योंकि व्यक्ति को बैठे बैठे एक फॉल्स हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, मृग जल समान, और बंदा बैठा रहता है। नेचुरली उसके जो व्यक्ति शादी करके घर में जाते हैं तो घर संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो ऐसे ही जनरल बोल रही थी, उसका नहीं बोल रही थी, जनरल बोल रही थी। तो वो लड़की को महसूस हो, हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ, सारा दिन काम करना अच्छा नहीं लगता, अगर उनकी सास कुछ काम कहती है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि क्या सारा दिन क्यों सफाई सफाई क्यों करने की। और इसी कारण, यही एक छोटे से कारण के कारण, उनके पेरेंट्स भी कबूल कर रहे थे, कहाँ इनके इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, इनकी सास भी बहुत अच्छी है, पर इनको वहाँ रहना ही नहीं। तो समझाया गया कि ये तो लाइफ के डिसीजन की बात है, ये बात सुन के, ज्ञान सुन करके उसने कहा कि आई वॉन्ट टू ट्राई वंस अगेन। अभी आपने जो कहा, आपने जो समझाया, उससे मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ, और आप नहीं मानेंगे, 15 दिन में वो अपने घर में सेट हो गई। सी डिसीजन, डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आज एक व्यक्ति मन में सोच लेता है कि नहीं मुझे डाइवोर्स ही करना है, तो डाइवोर्स ही हो जाएगा, और आप सबको पता है उसके पीछे की लाइफ जो है, एवरीबॉडी नोज। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर मुझे क्या करना है, आज हर व्यक्ति को अपने लिए और हर व्यक्ति को पूरे समाज के लिए सोचने का और डिसीजन लेने का वक्त आया है। जैसे आप हम सब जानते हैं कि पूरा गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के समय, पूरा गीता का ज्ञान किस लिए था?
फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। पूरा ज्ञान किस लिए था, मुझे क्या करना है। आज हर व्यक्ति अर्जुन है, कोई एक अर्जुन नहीं था, हर व्यक्ति अर्जुन है। एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उनको डिसाइड करना है मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। हर मानव मन में एक युद्ध चल रहा है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। एक तरफ तो ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान सबके अंदर है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन नहीं जानता है मुझे सत्य के राह पर चलना है, कौन नहीं जानता है, कोई है ऐसा नहीं जानने वाला, हर व्यक्ति जानता है। कौन नहीं जानता है मुझे ऑनेस्टली रहना है, हर व्यक्ति जानता है। कि आज हर मानव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिनको अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। एक तरफ है ज्ञान, नॉलेज, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, ज्ञान है एक तरफ। पर दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, दूसरी तरफ है शॉर्ट टर्म फिजिकल बेस्ड, मटेरियल बेस्ड हैप्पीनेस। आज हर व्यक्ति भौतिक सुख पाना चाहता है, क्योंकि हमारी एक बेसिक बिलीफ सिस्टम है कि भाई सुख तो फिजिकल कंफर्ट से ही मिलेगा। व्यक्ति सोचता है कि मैं भी अगर मेरा बहुत बड़ा मकान होगा, घर होगा, वेल फर्निश्ड होगा, एसी होगा, ये होगा, सब होगा, तो मुझे सुख मिलेगा, ड्रेसअप बहुत अच्छा होंगे तो सुख मिलेगा। बहुत बातें हैं जिससे हम सुख पाने की कोशिश करते हैं। सुख मिलता है या नहीं मिलता है, वी डोंट नो। अगर मिलता होता तो तनाव का वातावरण नहीं होता था, सुख का और शांति का वातावरण होता था। परंतु व्यक्ति आज भाग रहा है, दौड़ रहा है, मिल नहीं रहा है, उसकी भी कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उसकी भी अवेयरनेस नहीं है। और इसलिए हम अपना जो भी समय और एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी, हर व्यक्ति के पास दो बात है, एक है टाइम और दूसरा है एनर्जी, टोटल एनर्जी, मे बी फिजिकल एनर्जी, मनी वाइज अगर देखो तो सब प्रकार की एनर्जी को हम लगाते हैं सुख पाने के लिए। और क्योंकि सुख पाने का साधन हमने सोचा है कि शायद फिजिकल कंफर्ट ही है, और फिजिकल कंफर्ट पाने का माध्यम है धन, इसीलिए इन शॉर्ट हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, एम ऑफ द लाइफ क्या हो जाता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। फाइन, धन कमाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। हमें लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दे दिया कि धन ही माया है। नहीं, धन माया नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है। परंतु
at the cost of anything, dhan kamana buri baat hai. Dhan kamana buri baat nahi hai, parantu apne mulyon ko bech karke dhan kamana question mark hai. Aaj wo samay aa gaya hai. मुझे धन की कितनी जरूरत है वो व्यक्ति को पता नहीं है. कभी कभी हमें परमात्मा कहते देखो कितना वंडरफुल है, व्यक्ति एक साथ कितना कपड़ा पहन सकता है. गरीब एक कपड़ा पहनेगा और शाहूकार 100 पहनेगा. मैं तो बहुत शाहूकार हूं. आप पहनेंगे एक के ऊपर एक 10 कपड़े पहन सकते हैं? नहीं. आप कितना खा सकते हैं? कितना खा सकते हैं? है ना, शाहूकार 100 रोटी खाएगा ऐसा हो सकता है? वो तो एक भी नहीं खाएगा. आज क्या समय आ गया है, शाहूकार तो है, पैसा तो है, परंतु डॉक्टर ने बोला कुछ अनाज नहीं खाने का, कुछ नहीं खाने का, और ये ऐसा समय आ गया है. तो सोचने की बात कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो कितना चाहिए, सोचो कितना चाहिए हमको. पर धन, धन अपने आप में खराब नहीं है, पर धन को इकट्ठा करने की जो वृत्ति है जिसको लोभ कहते हैं, धन ज्यादा से ज्यादा कमाने की और इकट्ठा करने की और उनका एक कॉन्शियसनेस बनाने की जो वृत्ति है जिसको लोभ कहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानकारक है, पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी नुकसानकारक है. तो इसलिए सोचने का समय है. हमें हमारे मन में एक ऐसी मान्यता बना दी गई है, बिलीफ सिस्टम बन गई है स्पिरिचुअलिटी के लिए, कि भाई स्पिरिचुअल बनना, आध्यात्मिक बनना हमारा काम नहीं है. हमारे मन में स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या हो गया, कि मैं भी ये घर का काम ठीक नहीं करेगा, जिम्मेदारी से दूर भाग जाएगा. त्याग करना पड़ेगा. क्या सोचते हैं, मे बी कि अगर हम किसी स्पिरिचुअल रास्ते पर जाते हैं तो हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा. और इसीलिए कई लोग डरते हैं, कई लोग डरते हैं, कहते हैं कि हाँ जाने का. आप सोचिए, कोई कहीं सोचते हैं कि जाने का, सुनने का, परंतु क्या सोचते हैं, घर लेके नहीं आने का. है ना, आप ऐसा नहीं सोचना. कुछ खोने का नहीं है, पाने का है. एक छोटी सी कहानी है. एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति गरीब था बहुत, और उसने भगवान की प्रार्थना करना, तपस्या करना शुरू किया. कहते हैं कि भगवान राजी हो गया और भगवान ने आकर के बोला क्या चाहिए. बोला मैं बहुत गरीब हूँ तो बस मेरी गरीबी दूर करो. तो भगवान ने उसको कुछ संत का नाम दिया, स्थान बताया. तो वो फिर जाते हैं वो संत के पास. संत तो ध्यान में बैठे हुए थे, जाके बैठ गया. फिर संत ने जब आंखें खोली, पूछा क्या है भाई. कहते बस मैं बहुत गरीब हूँ,
आप मेरी गरीबी दूर करो। संत कहते हैं गलत स्थान पे आया है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं। बोला नहीं नहीं पर भगवान ने कहा है। तो संत सोचता है कि भगवान ने कहा मेरे लिए, पता नहीं क्या होगा। फिर हाँ हाँ एक बात याद आई, कहते हैं मुझे कुछ दिन पहले कोई पारसमणि मिला था, पर मेरे काम का तो था नहीं, तो मैंने फेंक दिया था। मे भी कि मैंने जिस दिशा में फेंका है तुम जाओ, अगर तेरा तकदीर करता है तो तेरे को मिल जाएगा, तो वो गया। गया पारसमणि मिल गया, लोहे के कड़े पहने थे, उसने टेस्ट कर लिया, हाँ है पारस, सोने का हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। इसलिए फिर से दोबारा आया संत के पास थैंक्स करने के लिए। तो संत तो फिर से ध्यान में बैठा हुआ, लंबे समय से ध्यान में बैठा, फिर वो आंखें खोली, फिर वो बैठा सामने के, अभी क्यों आया है, मिल गया, मिल गया तो जाओ, अब क्या है। बोला नहीं नहीं जाऊंगा, अब क्या चाहिए। कहते मैं ये सोच रहा हूं कि आप ध्यान में बैठ के इतने गहन शांति में बैठे हुए हैं, आनंद में बैठे हुए हैं, ऐसा क्या आपको मिला जो आपने पारसमणि भी फेंक दिया, मुझे वो चाहिए। समझा, मुझे वो चाहिए जिसके आगे पारसमणि की भी कोई कीमत नहीं है। आपको यहां वो मिलेगा, समझा, वो सुख मिलेगा जिस सुख के आगे भौतिक सुख कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर गृहस्थ छोड़ के हमको कुछ करना है, नहीं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसकी एक विशेषता ये है कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कोई गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, हमें कोई अपने बिजनेस का त्याग नहीं करना है, हमें कोई अपनी ड्यूटी का त्याग नहीं करना है। सब कुछ करते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में अपनाना है। इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है, क्या कहते हैं, जो समझते पॉसिबल है हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, थैंक्स, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि करना क्या है, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, केवल अपने आप में एक डिसीजन लेना है। क्या करना है, केवल अपने आप में एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है जो आप जानते हैं, उसी अनुसार निर्णय लेना है कि नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स आई वॉन्ट टू बिकम वैल्यू बेस्ड। क्या करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, केवल ये अपने आप में एक निर्णय लेने की बात है कि मुझे मूल्यनिष्ठ बनना है, मुझे वैल्यू बेस्ड बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे कोई गलत काम क्या करना है, नहीं करना है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। है ना, पॉसिबल है,
अगर व्यक्ति चाहता है तो पॉसिबल तो है, अभी आपको अभी लगता होगा पॉसिबल, पर घर जाओगे तो क्या लगेगा, घर जाओ फिर अरे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ऐसा लगता है। यही तो युद्ध है, यही तो युद्ध है। चाहते हैं, जानते हैं, पर तो भी जब प्रैक्टिकल आता है अपने सामने, सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो फिर हम बदल जाते हैं, फिर वही का वही हो जाता है। एक सच्चा एग्जाम्पल पर हमें हंसी आती है, बताती हूँ कैसे संघर्ष होता है, मन के अंदर संघर्ष कैसा होता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक बहन हमारे पास आई, कहती है कि अभी मैं बहुत समस्याओं से गुजर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, 15 दिन रखा गया, घर आई, फिर मेरे बेटे को फ्रैक्चर हुआ, फिर मेरा पति बीमार हो गया, कंटिन्यूस चलता रहता है, बस चलता ही रहता है। अच्छा, तो उसका कारण आपको पता है? मुझे कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, पर आपको पता है? कहती है ना, कारण मेरा क्या है पता है, मेरी सास है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारी सास कहाँ रहती है? मर चुकी है। समझा क्या कहा? मर चुकी है। तो मैंने कहा मरी हुई सास बिचारी तुमको कैसे तकलीफ दे सकती है? कहते नहीं, उसका कारण है, उसको सब कुछ पता है, कारण है। क्या कारण है भाई? तो कहते क्या है, ऐसा था कि जब वो बीमार हुई और जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय मैं ही केवल उसके पास थी। अच्छा, तो मरते समय उसने मुझे 2 सोने की चूड़ियां दी थी, कहा था एक तू रखना और एक मेरी बेटी को देना। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ये रियल बात है, ये कहानी नहीं है, दिस इज ट्रुथ। कहते मैंने नहीं दिया, इसलिए रोज मेरी सास सपने में आती है और मुझे कहती है तुमने अभी तक नहीं दिया। तो मैंने कहा सिंपल दे दो, कितना इजी सॉल्यूशन है, सी कितना इजी सॉल्यूशन है भाई, दे दो प्यार से। परंतु मन मानता नहीं है, ये युद्ध है। आप सोचिए, वास्तव में ये महाभारत का युद्ध है, समझा, ये महाभारत का युद्ध है। हर एक मानवी के मन में, मे भी आप में से कईयों के मन में चलता होगा, जिनको देना चाहिए आप नहीं देते होंगे, पॉसिबल है। तो ये युद्ध है। और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी हम देंगे कि ये युद्ध में हमें जीत प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। महाभारत युद्ध के समय जैसे अर्जुन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए गाया गया है कि स्वयं भगवान उसको ज्ञान देते हैं, एक अर्जुन को दिया होगा, परंतु आज मैं कहूंगी आप हम सभी अर्जुन हैं, और हर मानव मन के अंदर चलते हुए इस महाभारत युद्ध के अंदर सत्य के विजय के लिए जो सच्चा है, जो प्रॉपर है, जो योग्य है, वही मन में अपनाने के लिए हमें विजय प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान सृष्टि पर आए हुए हैं। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब स्वयं भगवान, गीता में कहा गया स्वयं भगवान आया और अर्जुन को बोला, कितना टाइम लिया बोलने में?
अगर भगवान कहते हैं अर्जुन को तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, कि भी तुम युद्ध करो, दैट्स इट, विथ नो आर्ग्यूमेंट्स. पर क्या होता है, 18 अध्याय चले, लंबा चौड़ा ज्ञान देना पड़ा. उसी प्रकार हम भी अनेक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, सत्य को नहीं अपनाने के लिए, है ना. आज कई लोग कहते हैं कि झूठ तो बोलना पड़ता है, बाल बच्चे हैं ना, क्या कहते हैं, झूठ तो बोलना पड़ता है, झूठ तो करना पड़ता है, करप्शन तो लेना पड़ता है, रिश्वत तो लेनी पड़ती है. ये गरीब नहीं लेते हैं, रिश्वत कौन लेता है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है. आवश्यकता नहीं है, पर वो मन की आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है. तो स्वयं भगवान आए हुए हैं तो भी भगवान को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न आर्ग्यूमेंट्स करके समझाना पड़ता है, क्योंकि कदम कदम पर हमें निर्णय लेना होता है. रोज सिचुएशन आती है और रोज निर्णय, एक बार निर्णय लेने से हो सकता है, हो तो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, पर हर व्यक्ति के लाइफ में नहीं होता है. तो इसीलिए एक नई और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी थी लाइफ में, वो ये है कि आध्यात्मिकता केवल सुनने की बात नहीं है, मान लेने की बात नहीं है. जैसे कहा ना गीता में, ऑर्डरली मान लेने की बात नहीं कही भगवान ने, हर सवाल का जवाब दिया, अर्जुन के हर डाउट का, हर सवाल का, हर आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया. जब तक आप अपने आप में कन्विंस नहीं हो जाते हैं, जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तब तक आपके डिसाइड किए हुए कर्म में सफलता नहीं हो सकती. इसलिए एक बहुत बड़ी बात जो बनी है, हुई है वर्तमान में अभी, वो ये है कि भगवान आके केवल दर्शन नहीं देते हैं, भगवान आके केवल एक बार प्रवचन करके चले जाए ऐसा नहीं है, आज्ञा करके चले जाए ऐसा नहीं है, आशीर्वाद कर दे और हमारा भला हो जाए, नहीं. भगवान ने कहा है आध्यात्मिकता एक पढ़ाई है, स्पिरिचुअलिटी इज ए स्टडी बाय इटसेल्फ, पढ़ाई है. जैसे पढ़ाई में बच्चा एक दिन में नहीं पढ़ सकता, एक दिन में एक कक्षा भी पास नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा. आज एक MBBS होने में कितना टाइम लगता है, सिंपल देखो आप, सालों साल लग जाते हैं वो सीखने के लिए, खाली वो सीखने के लिए. उसी प्रकार आज जो हम हैं, आज जो हमारा स्वभाव है, संस्कार है, हमारे विचार है ना, हर व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, कल्चर के अनुसार, बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही सोचता है और निर्णय करता है, अपने अनुसार करता है. तो वो बेसिक बिलीफ सिस्टम को हमें अपनी
इंडिविजुअल, हर एक की अपनी इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है, उसको समझना होगा, पहले समझना होगा, क्योंकि उस अनुसार व्यक्ति निर्णय करता है और उस अनुसार लाइफ बनती है। अगेन एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। हम लोग बड़ौदा में, बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर भी प्रोग्राम्स करते हैं, एवरी वीक वहाँ पर भी कोर्सेज चलते हैं। तो एक बार मैं गई थी वहाँ पर, वहाँ के लोगों को जो कैदी थे वहाँ, उन लोगों के साथ बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो नेचुरली जेल के अंदर तो जब जाते हैं तो बाजू हम बात कर रहे थे, बाजू में पुलिस ऑफिसर खड़ा था। तो एक भाई मेरे सामने बैठा था, बड़ा सिविल लग रहा था, अच्छा लग रहा था जेल में। तो मैंने कहा, भाई आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं, आप क्यों जेल में आए हैं? तो कहता है, क्या है कि मेरा केस डाइवोर्स का है, मैं मेरी वाइफ को वो जो मेंटेनेंस देना पड़ता है, मतलब वो नहीं देता हूँ, 3 महीने तक नहीं दो तो फिर जेल में आना पड़ता है। तो मैंने कहा, अगर दे दो तो क्या बुरा है, 3 महीना नहीं देते जेल में आ जाता है तो देना अच्छी बात है ना। बोला, नहीं उसके पास बहुत पैसा है, मैं नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर बाजू में खड़ा था मेरे, कहता है, अरे तू एक काम कर, वो भाई को बोलता है, एक काम, क्या करूँ, तुम उसको पावागढ़ पर ले जा। मैंने कहा, दर्शन कराने ले जा, तब तक मेरी बुद्धि नहीं खुली कि ये क्या कहना चाहते। कहते, क्या बोला, पावागढ़ पर ले जा और मार धक्का, खत्म कहानी। मैंने कहा, भाई आप तो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर होके आप ऐसी सलाह देते हैं, वंडर है। इसका कारण क्या, बेसिक बिलीफ सिस्टम, व्यक्ति के अपने जो संस्कार है, अपनी जो सोच है, उसी अनुसार व्यक्ति खुद भी डिसाइड करता है और औरों को भी वही एडवाइस देगा, वही सलाह देगा। तो इसीलिए हम भी आज आप सोच सुनते हैं, आज चलो आपने सुन भी लिया, आप 3 दिन 4 दिन जब तक कॉन्फ्रेंस में हैं सुन लेंगे, सोच भी लेंगे कि बिल्कुल सही बात है, हमें इस अनुसार ही चलना चाहिए, और चलेंगे। क्या होता है, जब तक आप इस एटमॉस्फेयर में हैं तब तक आपको क्या लगेगा, सहज भी लगेगा, चलेंगे भी, है ना, जब तक इस एटमॉस्फेयर में। यहाँ से बाहर जाएंगे तभी भी इसकी बातें करते रहेंगे, फिर दूर जाएंगे तो क्या होगा, फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो कहने का भाव है कि इट टेक्स टाइम, आप अपने आप को भी नहीं जानते हैं, आप अपने आप को भी नहीं जानते हैं। किस समय आप क्या रिएक्ट करते हैं, किस समय आप क्या जवाब देंगे, किस समय आप क्या कदम उठाएंगे, आपको खुद को पता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बात है स्टडी की, कौन सी, अपने आप को जानने की, अपने आप को जानने की। जैसे मैंने कहा कि टेक्स टाइम, अपने मन के हर कोने कोने को समझने की कोशिश करना, इसको ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। आध्यात्मिकता कुछ छोड़ने को नहीं, कुछ पढ़ने को नहीं, परंतु अपने आप को देखना और अपने आप की स्टडी करना। मुख्य बात क्या है, ऑब्जर्व करना, स्टडी करना खुद की। अब तक हम औरों की करते आए, हम कईयों को, वो हम आपको बराबर जानते हैं, जानते होंगे, परंतु जब तक खुद को नहीं जाना
हम जब ये कहते हैं हम आपको बराबर जानते हैं तो क्या जानते हैं? पॉजिटिव नहीं जानते हैं। जब व्यक्ति ये कहता है तो हमेशा क्या उसके मन में रहता है? हर नेगेटिव बात रहती है। तो अपने आप को जानना, अपने प्रति जागृत रहना, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, हर समय जागृत रहना। कई बार हम क्या कहते, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ गया। अब ये है लैक ऑफ नॉलेज, ये अज्ञान है। मुझे पता नहीं गुस्सा क्यों आ गया, मुझे पता नहीं मैंने ये ऐसा क्यों बोल दिया। बोल देते हैं विदाउट थिंकिंग। ये नहीं, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, हम वही बोलेंगे जो मुझे बोलना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल एक्शंस। कभी कहीं बोलते कि मेरा मूड खराब हो गया, पता नहीं मेरा मूड क्यों खराब हो गया। कैसे नहीं पता होगा? इट इज अ रिजल्ट ऑफ माई ओन थिंकिंग। परंतु कई बार हमारे मन में क्या चलता है, हम क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमें खुद को ही पता नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बात यह कि ऑब्जर्वेशन, खुद का ऑब्जर्वेशन। यहां से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। देखना, अब चलो अपने आदत के वशीभूत कोई गुस्सा कर भी लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर उसकी भी आफ्टर स्टडी कि आखिर मैंने क्यों किया, क्या मेरा ईगो था, मेरे में धीरज की कमी है, या मुझे मेरी बिलीफ सिस्टम है, क्या कारण है। तो थोड़ा अपने प्रति सोचना शुरू करना है हर एक व्यक्ति को। और निश्चित रूप से यहां पर आपको जो मिलेगा अभी आने वाले दिनों में, आप उस अनुसार उसको नोट करना। आपको एक बैकग्राउंड मटेरियल मिलेगा, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग मिलेंगे आपको, रीजन के साथ मिलेंगे, है ना। उन सब बातों को, उन सब बातों को मध्य रख करके हमें स्वयं के लिए सोचना है। जैसे एक सिद्धांत है, प्योरिटी इज रॉयलिटी। हम कहते हैं पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता ही सुख शांति की जननी है। डेफिनेटली दिस इज सिद्धांत, प्रिंसिपल है, नियम है। इस नियम को मध्य रख करके फिर हमें अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करना है। ये नक्की बात है, नक्की बात है। कई लोग हंसी से कहते हैं कि भाई जब हमें शरीर के लिए ज़रूरत पड़ती है, समझो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है किसी को, तो क्या करते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई? ऐसे कोई भी ब्लड दे सकते हैं हम या ले सकते हैं? नहीं, क्या करना पड़ता है? ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है, तभी वो ब्लड उसको काम में आ सकता है। तो कहीं हंसते हुए कहते हैं कि हमारे पास जो धन आता है उसका भी क्या देखना चाहिए, कौन से ग्रुप से आता है। ग्रुप अर्थात वैल्यू बेस्ड है या नहीं है, है ना। वृत्ति क्या बनती है, किस वृत्ति से कमाया हुआ धन है, किस वृत्ति से दिया हुआ है, उस पर आधारित है कि उससे आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा,
संभव है धन मिलेगा पर वो धन आपको सुख तो नहीं देगा, पर कभी कभी वो सुख लेके भी चला जाता है। तो इसीलिए हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों में जो आपको मिलेगा उन सब बातों को ध्यान में रखते, जैसे सेल्फ स्टडी कहते हैं ना, हम जब स्टडी करनी होती है तो क्या सब कुछ टेबल पर रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ, समझती हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार कि भाई मेडिटेशन ही है एक तरफ लाइफ के लिए, मेडिटेशन ही है जो सर्व समस्याओं का समाधान है। कोई भी समस्या है मेडिटेशन, कोई भी समस्या है मेडिटेशन, किसी की पर्सनल लाइफ की समस्या है मेडिटेशन, डिप्रेशन है मेडिटेशन करो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता है मेडिटेशन करो, दोनों पति पत्नी का आपस में नहीं बनता है मेडिटेशन करो, कोई भी समस्या ले लीजिए, मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। परंतु साथ साथ एक तरफ तो ये है कि मेडिटेशन से ही सब कुछ हो सकता है, और इसीलिए फिर मुझे अपने लिए ये सोचना होगा, क्योंकि जब मेडिटेशन की बात आती है, सीखने की बात आती है, करने की बात आती है, तो कौन सी मुख्य बात आती है आर्ग्यूमेंट की, कौन सी मुख्य बात आती है? हम तो कहते हैं सभी को जो भी मिलेगा हम क्या कहेंगे, भाई आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आइए, आना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और हमारे पास किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, सबके पास कहते हैं हाँ मैं नहीं मानती हूँ, पर कहते हैं समय की कमी है, सबको लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, पर समय उनके पास होता है, मैं आपको बताऊं, समय उनके पास होता है जो बहुत बिजी है, समय उनके पास नहीं होता है जो फ्री है, समझा, जो फ्री है उसके पास समय नहीं है, और जो बिजी है उसके पास अवश्य समय है। अभी आपको अपने आप डिसाइड करना है, क्या कहें, किसके पास समय है, हाथ ऊपर करें, समय जिनके पास, जिनको मिल सकता है मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए समय मिल सकता है ना, निकालना पड़ेगा भाई, मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि आज तो आप सबका पहला ही दिन है, पहले दिन से ही आप अपना आंतरिक मानसिक प्लानिंग करना शुरू करें, एक बात को समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि किसी ने कहा और आपने समझ लिया या मान लिया ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए आपको जो सुनी हुई बातों पर चिंतन करना होगा, ट्राई टेस्ट एंड अप्लाई, वो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ये ऐसे है जैसे कि आपको जो मिलेगा सबसे मिलेगा, बहुत लोग आपसे बात करेंगे, अनुभवी लोग बात करेंगे, आपको मिलेगा वो सब, आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल, पकाना आपको अपने आप पड़ेगा, रोटी तो घर में बनती है ना, आजकल की बात छोड़ दो, पर आजकल लोग रोटी भी बाजार से तैयार लाके खाते हैं, पता नहीं कितना मजा आता होगा,
नहीं आ सकता। तो यहां आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, परंतु उनको फिर आपको अपने आप चिंतन के द्वारा अपना बनाना पड़ेगा, तब वो आपकी अपनी मान्यता बनेगी, अपनी मान्यता बनेगी। तो इन दिनों में हम यही कहेंगे कि आप सभी जो भी बात सुनते हैं उनको केवल सुनने तक नहीं रखना, यहाँ का वातावरण भी एंजॉय करना, यहाँ के स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को भी एंजॉय करना, परंतु विथ रेफरेंस टू लाइफ, विथ रेफरेंस टू लाइफ। आप कहाँ पिकनिक पर गए ऐसा नहीं, या आए तो खाली घूम फिर करके चले गए ऐसा नहीं, परंतु विथ रेफरेंस टू लाइफ। भगवान कहते हैं हम जमाना बदलना चाहते हैं, युग परिवर्तन का ये समय है, निश्चित रूप से दुख जाने वाला है और सुख का समय आने वाला है, पर कोई ऊपर से नहीं टपकेगा। कैसे आएगा? हमारे थ्रू, आपके थ्रू। आप समाज के बहुमूल्य लोग हैं, बहुमूल्य डॉक्टर्स, जिसको मे भी सबके पास जाना नहीं होगा, पर लोग उनके पास आते हैं, लोग उनके पास आते हैं। तो आप जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो केवल शरीर की नहीं करेंगे, परंतु अगर इफ़ यू आर कन्विंस्ड योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप समझा है, माना है और अनुभव किया है, तो नेचुरली आप औरों को भी वही शफा दे सकते हैं। तो हम यही आशा रखेंगे कि आप सभी इन दिनों में, हमारी दादी जी थी, दादी प्रकाशमणि जी, इसके पहले जो चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज थी, अभी दादी जानकी जी है, जिसकी आयु 102 साल है। कुछ प्रोग्राम से दादी जी कल ही गई है, नहीं तो आप जो सबसे मिलती थी। उसके पहले दादी प्रकाशमणि जी थे, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, वो कहते थे कि आप सभी आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं और जाएंगे तो एक और डिग्री आपको मिलेगी। जो दादी कहते डबल डॉक्टर बन के जाना, सिंगल डॉक्टर बन के आए हैं जो शरीर के डॉक्टर हैं, परंतु जाएंगे तो क्या करेंगे, डबल डॉक्टर बन के जाएंगे। तो इसीलिए अंत में हम अभी 2 मिनट ध्यान में बैठेंगे। आप अपने मन को, विचारों को, संकल्पों को 2 आँखों के बीच भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे और आज अभी जो हमने चर्चा की, बात की, उन बात को मध्य रख करके अपनी लाइफ के रेफरेंस में, अपने आप में डिसीजन लेने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि मुझे क्या करना है। ओम शांति। मैं संकल्प देती हूँ, आप साथ साथ वो सोचने की कोशिश करेंगे। दो आँखों के बीच में मैं चैतन्य
शक्ति हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, एंड इट इज मीडियम फॉर माय एक्सप्रेशंस। मुझे महसूस हो रहा है जीवन सुख के लिए है, शांति के लिए है, और ये मुझ पर निर्भर है। मुझे लाइफ से क्या लेना है, निश्चित रूप से सत्य और मूल्यनिष्ठ जीवन ही सुख और शांति दे सकता है। मुझे निश्चय हो रहा है कि मुझे भी जीवन के अंदर मूल्यनिष्ठ कर्म और व्यवहार करना है। ध्यान, मेडिटेशन मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे कितने भी बिजी शेड्यूल में स्वयं के लिए समय जरूर निकालना है। मन में ये निश्चय हो रहा है कि मुझे आध्यात्मिकता के द्वारा उच्चतम परम सुख का अनुभव भी जरूर करना है। ओम शांति शांति शांति।